नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें, ताकि सर्वप्रथम आपको आपके चैनल की वीडियो प्राप्त हो जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साईं बाबा भगवान और सभी भगवानों को प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है, आखिर क्या कारण है उन्हें भोग चढ़ाने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पवित्र ग्रंथ गीता के अध्याय 9 के श्लोक 28 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यत करोसि यत दनासि यज होसि ददासि यत यत पस्पासि कन्यत तनु करस्य मद परणम। अर्थात हे मनुष्य, तू जो भी खाता है अथवा जो भी दान करता है या होम यज्ञ करता है, तप करता है, वह सर्वप्रथम मुझे अर्पित कर। हमें जो कुछ अन्न जल प्राप्त है वह सभी उसी परम पिता परमेश्वर की कृपा है, अतः उसके द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु उसी ईश्वर का प्रसाद समझ सर्वप्रथम उसी को अर्पित करना, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। इस प्रकार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मानवीय सद्गुण है। एक दंत कथा है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया के दो पुत्र थे, मोहन सोहन। एक बार उनके गांव के निकट मेला लगा। दोनों बेटों ने पिता से मेला देखने के लिए आग्रह पूर्वक पैसे मांगे। पिता ने दोनों को पैसे दे दिए। मोहन सोहन पैसे लेकर मेले में पहुँचे। पिता से सोहन को जो पैसे मिले थे उनसे वह मेले में पहुँचते ही मिठाई लेकर खा गया। उसने मोहन को पूछा तक नहीं, किंतु मोहन ने अपने पैसे से जब मिठाई खरीदी तो उसे पिता द्वारा दी गई शिक्षा का ध्यान आया। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कोई भी वस्तु अकेले नहीं खाना चाहिए। वह मिठाई लेकर पिता के पास पहुँचा। पिता सोहन के आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बेटे की अज्ञानता की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया, किंतु सोहन को फिजूल खर्ची के लिए डांट पड़ी और आगे के लिए उसके खर्च को रोक दिया गया। जब घर के मुखिया द्वारा प्रदान की गई वस्तु पुत्रों द्वारा सर्वप्रथम पिता को समर्पित करने से पिता इतना प्रसन्न होता है, तो परम पिता परमेश्वर के अनुग्रह से उपलब्ध अन्न जल सर्वप्रथम उन्हें ही समर्पित करने से वह क्यों न प्रसन्न होंगे। अवश्य प्रसन्न होंगे और मनुष्य को रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है उसमें देव पितर अतिथि सबका हिस्सा होता है, अतः उसे चाहिए कि वह उनके द्वारा प्रदान किए गए अनुग्रह को सर्वप्रथम उन्हीं को समर्पित करके स्वयं ग्रहण करे। इससे वे प्रसन्न होते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वस्तु का भोग लगाना उसके प्रति अश्वथावान होने का भाव व्यक्त करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें, ताकि सर्वप्रथम आपको आपके चैनल की वीडियो प्राप्त हो जाए। मिलेंगे हम अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।